to you. कैसे अपनी पैनल फैमिली और भाई मेरे हेयर स्टाइल को करना मुर्गे वालों को इग्नोर क्योंकि भाई मेरी हालत हो चुकी है खराब. तो भाई सुबह रात को सोए थे हम, ये साला जाके सो गया था गोली देके भाई. हाँ 7 बजे ये तो गोली देके जाके सो गया था ठीक है. बट भाई हम सोए थे, मैं वही मेरे को 8 बजे थे गाड़ी साफ. मैं 7 बजे सोया हूं आपकी गाड़ी भी साफ करवाई. और भाई अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 1:49 और भाई उठे ये ना. हाँ तो उठे भाई, मुंह धोया और अभी हम निकल चुके हैं उत्तराखंड के लिए. हालत हो रखी है खराब, पैरों में नहीं है जान, बट कोई नहीं मारेंगे हार जब तक है जान, जब तक है जान. तो भाई फटाफट ड्राइवर भी तो है, अनुभव भी तो जा रही है साथ ही. इसको नुआ माटी बार में ना बिल्कुल नहीं. एक महीने मतलब एक घंटे की कसरत के बाद दिल्ली से बाहर तो निकल चुके हैं. दिल्ली से बाहर आते कितने छोटे छोटे रोड आ जाते हैं जाम खत्म. टैक्सी लौटे अपनी गाड़ी में, ये वाले इसको तो नीचे करो. हाँ वही सेक्सी वही चश्मे तो अच्छे लगे रहे होंगे हमारे सेक्सी सेक्सी. अरे अभी सेक्सी है तो कोई बात नहीं, चलो चल रहे बड़ा बट बाहर गाड़ी खींचते हैं. चीयर्स भाई चीयर्स. दारू पीना शुरू हो गया हमारा. आ गया यार वही घाट के पास, वो सामने देखो देख रहा वो क्या हो रहा है पता तेरे को. चिता चल रही है घाट है वो. खुश है तू, तेरा भाई ने मार तुझे खुश है. बाय 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 का क्या चल हट हट हट. खाने के लिए पेट ही जब भूख लग रही है, हालत खराब हो गई गाड़ी चला चला के. अनुभव खिला रहा, मैं चला रहा था गाड़ी. भाई इसकी बात में बता नहीं सकता था, मैं बताऊंगा तो भाई क्या छोड़ो यार. हम तो बाकी पेटीज पैसा सबने डाल लेना भूखे. फाइनली आ गए हैं होटल में. इतनी ज़्यादा देर ड्राइव करने के बाद मैं तो बुरी तरह थक चुका हूँ और ये पड़ा देख भैंसों की तरह पप्पी भाई. तो भाई हालत होगी अपनी बहुत ज़्यादा खराब, पर कोई नहीं अभी रेडी होता फटाफट जाते हैं. तो हो गया रेडी और रेडी हो गया आपको लग रहा है सिक्सी क्योंकि अपन आजकल 2 दिन से पहन रहा है एक नंबर का ट्रेडिशनल वाला मतलब है वेडी वेयर. ये सिक्सी बॉय सिक्सी. तो भाई चलते फटाफट बाल पकड़ते ठीक क्योंकि ऐसे नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा. चमड़ी नाली ठंडे पानी से, अब इसको ठंड लग रही है ठंडे पानी से ना लिया, अब इसकी हालत खराब हो रही है यार. तो भाई आ गए यहाँ पे, क्या चल रही है फोटो शूट और ये भूखा हमेशा की तरह लैब से पीता हुआ. सारा काम करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं कल से ठीक से सो नहीं पाया. तो अभी अपने रूम में आया हूँ और भाई चलो बस वहाँ से होके जो फ्री खाना खा नहीं पाया क्योंकि पहले उन लोगों ने थोड़ा स्नैक्स वगैरह लाइक चिकन फ्राई वगैरह खिला दिया और उसमें मैं वेट भर के. बट अभी लग रही है बहुत ज़ोर से भूख और यहाँ पर रात को कुछ मिलता नहीं है तो भूखा ही सोना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है. और वहाँ पर यार मतलब भूख मेरे को पता तो बाद में लगी बट क्या ही कर सकते हैं, यहाँ खाने वाने का कोई जुगाड़ नहीं है. बट ठीक है भूखे सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कुछ खाएंगे और अभी फटाफट सुबह के लिए निकलते हैं. बाल भाई पता नहीं कैसे हो चुके हैं. बाकी फंक्शन बहुत अच्छा था यार, ट्रिप भी हो गया मेरा और आगे घूमने का मन है बट टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं जा सकते. तो इसलिए इग्नोर करेंगे, देखते हैं कभी नेक्स्ट टाइम कुछ अकेले जाएंगे तो घूमते फिरते. निकल गया अपने घर की तरफ और टाइम हो रहा है अभी 8:40 और भाई साहब अकड़क से मेरी नशे हो रखे हैं इसलिए चश्मा पहन लिया. नींद के नशे दारू के नहीं गिर, दारू पे छोड़ दो पर हालत हो गई खराब भाई. चल चलते फटाफट ये देखो ये लोगों के कुत्ते फेल हो रखे हैं भाई, बैठे बैठे लोग कुत्ते फेल हो रखे हैं देख रहे हो. बैठे वाले लोग ये थके हारे बैठे बैठे और हम चला रहे हैं, हम नहीं थके चला सर यहाँ पर लगेगा पप्पी भाई. MBA चाय वाला देखा था ना तुमने, अब MBA बर्गर वाला भी देख लो भाई साहब. MBA करके भी लोग यही काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके भी इंजीनियरिंग वाला. चलो चल लड़का अपना भाई मेरा लड़का ये बैठा और हमने कुछ प्लान बनाया है किसी को मारने का. वो बंदा एक बार बस फंस जा हमारे झांसे में. गंगा जी नहाने इनका प्लान नहीं था पर मैंने इन लोग को कर लिया कन्वेंस.
ठीक है, आंटी अंकल देखो, आंटी मजा आए, शादी अच्छी चलेगी, खुश हो आप लोग। तो भाई अभी चलते गंगा जी नहाने, और अपना लड़का कर रहा है मेहनत। पीएम बोट में आ गए, हमने प्लान थोड़ा चेंज कर लिया, हम जाएंगे प्राइवेट, प्राइवेट पूल पार्टी है, प्राइवेट पूल पार्टी पार्टी करने जा रहे हैं। अंधा वैसा आ रहा है, वोटे 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 जलन हो रही है क्या? अभी से एक जलन हो रही है क्या? हो गया अपना भाई अंकल, ये एक्सपीरियंस कैसा है? अरे डर रहे बताओ, आंटी डर रही है। मगरमच्छ मिल गया था पर भाई गलती से हाथ से छूट गया हमारे, वो कोई ना जिंदगी से प्यार नहीं था तो इसलिए थोड़े आगे क्या वो कर रहे हैं ना, हम सीधा उस वाले टापू पे आ गए। मगरमच्छ था अभी फोटो खींच लो, और मगरमच्छ देखो बुरा बुरा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। जो यहाँ पे भाई ने मतलब बहुत सही रेट में कर दिया, बोट वोट चलाते हैं। तो भाई यहाँ पे इसके गंगा जी के अंदर क्या क्या है? इसमें भैया डॉल्फिन है, गढ़ियाल है, असाई वेन पक्षी हैं, और कछुए भी हैं, सब चीज मिलती है। भाई अभी भाई ने ना वहाँ दिखा दिया मगरमच्छ, और आधे बंदे तो उस चक्कर में नहाने भी नहीं उतर रहे। सर भाई कोई नहीं, चलो सही था। देखो वहाँ डॉल्फिन है पर बहुत दूर है, अगर हम पास जा पाए भाई ले जा पाओगे पास एक मेरे व्यूअर्स के लिए? चलो भाई पास जाके तुम्हें वहाँ डॉल्फिन दिखाते हैं। सामने कले कले जो बिच रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा फोकस। यहाँ से मिट्टी धसनी शुरू होगी, मेरा वजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं ये आसमान की ऊंचाई में गंगा जी के बिल्कुल बीच में आके नहा रहे हैं हम लोग, फुल मजे ले रहे हैं भाई साहब। और मगरमच्छ यही है देख रहे, फुल जिंदगी पे खेल रहे हैं। अभी तो मेरी शादी भी ना हुई, गंगे ओम नमः शिवाय। तो भाई इसके साथ करते हैं डुबकी। तो भाई डाली है करके देखो क्या महादेव डूब रहे हैं, अभी भी हाथ में बुला रहे हैं मेरे को, आजा फुल ये लोग रुक नहीं रहते, बट मैंने इनको रुकवाया फाइनली। तो अभी इनके रिव्यू अभी लेते हैं बात के लिए। तो अंकल बताओ इधर देखो, मजा आया नहीं आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले रुक नहीं रहते लोग, फिर मैंने फाइनली जाते हैं। तो भाई पर मजे आगे, और अभी बता हमारी फटी करती जो बंदा वाले गया टापू पे, वहाँ था मगरमच्छ, और भाई बंदे ने दिखा के फिर रोक रहा है, कह रहा नहा लो, फिर भी हम नहाए, ऐसी बात नहीं है। पर अभी भाई नहा के मजा आ गया, हम निकलते घर के लिए फटाफट। यही वो जगह है जो एक इंसान को महादेव से मिलाती है, यहाँ इस जीवन का अंत होता है और महादेव से मिलने का फिर वो सुहाना सफर शुरू होता है। बहुत अच्छा प्रोटेस्ट चला रखा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजल तो आप यूज़ ही मत, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों ने चाय और ब्रेड पकौड़े का प्लान किया, देख लो आशु दीदी तुम्हें छोड़ने पार्टी कर रहे हैं, और देख लो गौरव तू तो देखते ही ना वीडियो, देख देख तेरे को उतारते ही 5 मिनट बाद ही। भाई अलग ही लेवल का शौकीन लोग, नंबर देखना गाड़ी का दिलीजा। से केदारनाथ वाले रास्ते पे आ गए, ये देखो वही एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट बन रहा, और यहीं कर देना कुछ फोटोशूट, बन मस्त रहा है। ये एरोप्लेन वही है जो अपने मोबाइलपुर में अटक गया था, किसको याद हो तो, आ गया था मतलब, बट ऊपर नहीं गया अभी तक क्योंकि गाड़ी का ना एसी रास्ते में चल नहीं रहा था, तो एसी में होगी हालत ख़राब, तो अभी पहले जा रहा हूँ फटाफट एसी ठीक करवाने, शक्ल मेरी दिख नहीं रही और हालत हो रखी मेरी बहुत ख़राब, पहले एसी ठीक करवा लो क्योंकि कल गर्मी में मर जाऊँगा बस वैसे। पड़ी मम्मी को लगा यहाँ पे वो दवाई लगवाने, हाय तो बोल दे हाय, हंसती रहती हूँ पूरी तरह थक गया, हालत हो गया ख़राब और भाई साहब ख़राब। अब मम्मी आते पहले मम्मी को हॉस्पिटल लाया उनको, क्योंकि मेडिसिन लेनी थी, उनको पेन हो रहा था, तो भाई 2-4 दिन से मैं गया तब से, तो इसलिए आके पहले वो काम करा, अब जाऊँगा क्रोमा एक छोटा सा वहाँ भी काम है, उसके बाद आऊँगा घर। वेट देख लो भाई कितनी हो रही है, बंदा वॉच लेके अभी तक नहीं आया हमारी, कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। वॉच वगैरह ले ली, चलते हैं घर, देख लो यहाँ का कुछ एरिया क्या गाइस। तो भाई ध्रुव को भेजा था वॉच लेने, विराट कोहली इसको, तो इसका मतलब जो भी होगा भगवान जाने क्या है। वॉच की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है,
क्वालिटी तो बहुत सही है भाई इसकी। ऑन करके देखते हैं इसको। चार्ज है इसमें? नहीं, इसमें भी नहीं है। नहीं, तो अब ये वॉच उसके मालिक के चल जानी चाहिए। ब्रो ये तेरे लिए गिफ्ट था। थैंक यू, बट इसमें चार्जिंग नहीं है गाइस, पोपट। हाँ कोई नहीं, चार्ज करवा ले। इसे चार्ज करना पड़ेगा घर जाके। थैंक